हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स यानी गणित में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। और इन सबको देखने से पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ बताई हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह है त्रिभुज ABC में ए बी और बी सी भुजाओं पर डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि डी ई समांतर बी सी और ए डी अनुपात ए बी बराबर 3:8 है। तब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? यह है, ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका, 8:13, 9:55, 9:64 और 25:39। तो यह है, तो इसको सबसे पहले बनाते कैसे हैं? तो इसको है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी और सी। और यहाँ पर डी और ई इस प्रकार स्थित हैं, ये आप लोग डी और ई यहाँ पर नाम दे दिए हैं और ये हमें हमारा यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, समांतर है। और ए डी जो है और ए बी का जो अनुपात दिया हुआ है 3:8 है। तो ए डी है यहाँ पे, ये 3 हो गया और ये ए बी यानी कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया हुआ, तो ये 8 दिया हुआ, तो ये अनुपात में दिया हुआ है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ये जो त्रिभुज है ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया आपका समरूप त्रिभुज। और यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है भुजा का। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये क्या होता है? तो ये जो भुजा है इसमें से जो ए डी भुजा है उसका और इस बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा, उन दोनों का स्क्वायर का अनुपात होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए डी ई का देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए डी में कितना जिसका वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेंगे ए डी, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी का दिया हुआ है तो हम लोग ए बी, और इन दोनों का जो स्क्वायर होता है यही इनका जो है अनुपात में भी होता है। अब देखते हैं यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो ए डी कितना दिया हुआ, तो ए डी हमारा 3 दिया हुआ है, और ये ए और सी बी का कितना दिया हुआ अनुपात, वो 8 दिया हुआ है, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 9 और ये 64। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अनुपात दिया हुआ है वो हम लोग का हो जाएगा 9:64। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जिस भुजा का भी दिया हुआ रहेगा वैल्यू, उस भुजा को और बड़े वाले त्रिभुज यहाँ पर उसका लेकर के स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का सारा चीज़ें आंसर आ जाएगा। तो इसे क्वेश्चन को हम लोगों को इस प्रकार से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लेगा, वो भी सेकंड में निकालना है। 48 सेकंड, 56 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जो रेलगाड़ी है वो किसी खंभे को पार करती है, यानी कि मान लीजिए यह कोई एक खंभा है और एक रेलगाड़ी मान लेते हैं यह इधर से जाती है, ये ट्रेन है। तो ये जो है, ये जो ट्रेन है इस खंभे के पास में, ये खंभा है तो इस खंभे के पास में जैसे गुजरेगी तो इसका जो अगला वाला हिस्सा है वो पार होने के बाद में फिर इसका जितना भी हिस्सा है ट्रेन का जो खुद का लंबाई है उसी लंबाई को पार करेगा। जब भी खंभा होता है या फिर कोई बिंदु होता है या फिर कोई आदमी होता है तो वो ट्रेन अपना जो है खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो ये होता है, और इस जो है ट्रेन का स्पीड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 25 सेकंड में इसको पार करती है। यानी कि यह पार करती है इसका मतलब हुआ खुद की जो लंबाई है खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई इसी को सबसे पहले निकालते हैं। तो ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई बराबर क्या होता है, समय गुना आपका होता है स्पीड यानी कि चाल, ये हो गया। अब समय कितना है हम लोगों का, समय यहाँ पे दिया 25 सेकंड, ये 25 सेकंड दिया, और चाल जो दिया है वो कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम लोग यहीं पे मीटर पर सेकंड में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है वो साथ में यहाँ भी मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं तो 5/18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का ये मीटर पर सेकंड में निकल जाता है, ये भी हम लोग मालूम है। तो अब देखिए यहाँ से 25 तो 25 ही है और इसको कितना काट लेते हैं तो ये 10 हो गया। तो ये 250 जो है मीटर, यह हम लोगों का ट्रेन की लंबाई होगी, ये हम लोगों का ट्रेन का लंबाई हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि साथ 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा, ये है। तो यहाँ पर अब कुल दूरी हम लोगों को निकालना है,
कुल दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 250 मीटर प्लस यहाँ पे दिया हुआ 350 मीटर, ये 350 मीटर ये हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन है और कोई पुल है यानी कि प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है, तो उसमें क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। ये ट्रेन का जितना भी लंबाई रहेगा साथ ही उसमें पुल या प्लेटफॉर्म का जितना भी लंबाई रहेगा वो दोनों ऐड हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोग का कुल दूरी निकल गया 250। अब यहाँ पर जो है ट्रेन का जो स्पीड तो हमें मालूम ही है वो कितना है, तो वो 36 है हमें। तो ये समय निकालना है अब हम लोगों को, समय बराबर क्या होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों को, ये जोड़ने से हम लोगों का हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। और इसका जो है स्पीड कितना दिया हुआ था, 36, और ये कितना में दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग अभी भी चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, तो 600/10 यानी कि ये 60 सेकेंड, यहाँ पे आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है यह सी है राइट आंसर। तो ये इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उसका यूनिट को चेंज करना है सबसे पहले, और कुल दूरी जो है वो भी निकाल लेना है, और किस प्रकार से निकालना है ये आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष, ये क्वेश्चन है। और एज रिलेटेड में सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर से जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, तो वर्तमान जो आयु का अनुपात है वह 3:5 है, यानी ए का है और बी का है, और ये अनुपात में है, तो इसको हम लोग साफ साफ यहीं से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ए का जो है वो 3x हो गया और यहाँ पे बी का हो गया 5x। ये हम लोगों का है प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ए का है 3x, बी का है 5x। अब से 5 वर्ष बाद यानी कि अब 5 वर्ष के बाद जोड़ना है यहाँ पे, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी हम लोगों को ऐड करना है यहाँ पे, दोनों में 5-5 साल को ऐड कर लेना है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग का जो नया अनुपात क्या हो जाता है, वो नया अनुपात हो जाता है 13:20 का हो जाता है। पहले तो ये इतना था लेकिन बाद में हम लोगों का फिर ये जोड़ने के बाद 13:20 हो गया। अब इसी को हम लोगों को सोल्व कर लेना है, तो इसको देखते हैं सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 60x+100 बराबर हो जाएगा 65x+65, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ये 100 इधर रहेगा और ये 65 डिवाइड हो इधर आके घट जाएगा, और ये 65x-60 ये इधर आ जाएगा इस पार से उस पार। तो ये हो गया हम लोगों का 35 = कितना हो जाएगा, ये 5x। अब यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 7, ये हम लोगों का x 7 हो गया। अब हमें जिसका भी कहा जाएगा उसी का हम लोगों को उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम लोगों को बी की वर्तमान आयु के लिए कह रहा है, तो बी का हम लोग कितना था, तो बी का था हम लोगों का 5x, तो ये x = 7 है, तो ये हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 वर्ष, और यही हम लोगों का आंसर भी है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर कहता कि ए की वर्तमान आयु बी की जगह पे ए की करता, तो हम लोग सीधे ए में कितना करते, 7 × 3 कर लेते, तो 21 हो जाता, तो वो 21 हो जाता ए का। लेकिन हम लोगों को बी का कहा था, तो हम लोगों को इसके साथ में 5 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 35 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये जो है एज वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुज 12 सेंटीमीटर और माध्यिका ए डी है, जी डी की लंबाई ज्ञात करें यदि जी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक हो, यह है क्वेश्चन। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि माध्यिका क्या है, वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जियोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर से जरूर देखिए। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि इनका तीनों भुजाएं जो है वह बराबर है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 12 और 12 सेंटीमीटर करके है, और जो माध्यिका है वह ए डी है, ये हमारा माध्यिका हो गया है, और जी जो है वह ए बी सी का केंद्रक है, जी ये ए बी सी का केंद्रक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जी डी की लंबाई निकालना है, यानी कि जी से डी का इसका लंबाई क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ है 6√3, 3√3, 2√3 और 4√3, यह है। तो ये देखिए त्रिभुज ये है ए बी सी, इसमें जो इसका हाइट हो गया यह ए डी हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये ऊंचाई हम लोगों का क्या है इस त्रिभुज में, जो ऊंचाई बराबर हो गया ए डी,
और ये जो ए डी है वो कितना निकलेगा, तो इसी को पहले निकालते हैं। तो ए डी की जो लंबाई है वह हो जाता है हम लोगों का √3/2 इंटू भुजा। तो इससे हम लोगों का इसका ऊंचाई निकल जाता है, कोई भी समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो √3/2 इंटू एक भुजा हो जाता है। अब यहाँ से निकालते हैं √3/2 इंटू भुजा कितना है, तो भुजा 12 है, तो हम लोगों का निकल जाएगा इसका ऊंचाई 6√3। यह निकल गया हम लोगों का ए डी का जो है लंबाई, यह निकल गया हम लोगों का ए डी का लंबाई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को तो जी से डी निकालना है, ये निकालना है। और हम लोग ये भी जानते हैं प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो है हमारा जो माध्यिका है वो इस त्रिभुज का जो है केंद्रक यहाँ पे है, तो उसको क्या करता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो माध्यिका जो है वह 2:1 में यह विभाजित होता है, तो ऊपर में 2 नीचे में 1 हो गया ये अनुपात। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो जी डी निकालना है। तो जी से डी यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसका अनुपात निकालने के लिए, टोटल हाइट में से हम लोग इसको अनुपात में लिख लेंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जी डी निकालना है तो हम लोग 1 करेंगे ऊपर में, और टोटल कितना है, तो टोटल 2 और 1 3 हो जाएगा ये। तो ये अनुपात में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, और इसका जो हाइट टोटल हाइट कितना है वो ए डी है, वो ए डी है। तो इसको मैं अब यहाँ से आराम से लिखता हूँ, तो ए डी कितना था, ए डी था ये हमारा 6√3। आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो ये 2√3 बन जाता है, ये 2√3 बन जाता है। तो ये किसका निकालना है, तो ये हमारा जी डी का ऊंचाई है, तो जी डी बराबर 2√3 ये सेंटीमीटर में, और यही हमारा निकालना था आंसर। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मेन चीज़ें जो है वो माध्यिका वह 2:1 में डिवाइड होती है, तो इसके बाद में हम लोग जिसका भी कहेगा ऊपर वाला कहेगा तो ऊपर वाला का निकाल सकते हैं, नीचे वाला कहेगा तो नीचे वाला का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जी डी का कहा था, तो इसलिए हम लोग 1 को ऊपर में रख के टोटल 3 हो गया, और ए डी इसका जो है टोटल ऊंचाई उसको हम लोग निकाल करके सॉल्व कर लिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी है कि संभव त्रिभुज का जो ऊंचाई निकालना है तो वो क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट 96 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यह है इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 800 मीटर 96 सेकेंड, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, और इससे हम लोगों को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हम लोगों को चेंज करना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्वेश्चन और ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आर में जाना है, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखिए ये 800, ये 96 है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए ये 100/12 इंटू 18/5 कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा किलोमीटर पर एचआर में। तो इसको अब हम लोग काटते हैं, तो 6 से काट लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 50 ये 10। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 किलोमीटर पर एचआर, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है इसका राइट आंसर। तो इसको सिंपल सा ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। तो ये जो है यूनिट को इसको सिर्फ और सिर्फ चेंज करना था, तो ये आप लोग आसानी से बना लेंगे। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो 18/5 से, और वहीं अगर किलोमीटर पर एचआर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना था तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई 5/18 से करना है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में क्या है, यह निकालना है। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, यह ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार से बना लिए हैं, ये ए बी और सी मान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है सीधे दिया हुआ 9√3 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे भुजा निकालना है सबसे पहले तो हम लोगों को, तो ये हम लोग ए मान लेते हैं, ये इसका भुजा है वो ए है,
तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9√3 दिया हुआ है, तो √3/4 इंटू भुजा कितना है, तो भुजा हम लोग ए मान लेते, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब ये हम लोग काट सकते हैं इसको, √3 √3 कटेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब ये हम लोग ए बराबर क्या कर सकते हैं, √36 करेंगे, जैसे ये स्क्वायर इस पर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो ए बराबर हम लोग कितना निकल गया, तो ये 6 रू निकल गया, और यही हम लोगों का सेंटीमीटर में निकालना था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है वो मैच कर रहा है, तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, वह √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करना है, और इसके बाद में सारी वैल्यूज को रख लेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 6% से बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह है तो मान लेते हैं यहाँ हमारा एक वर्ग हो गया है, इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। यह है इसका जो भुजा है वह सारे के सारे बराबर होती है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तो इसको जो है 6% से बढ़ाया जाता है, ये जितना भी वैल्यू है उसको अब हम लोग 6% से बढ़ाते हैं, 6% से बढ़ाते हैं, इसे भी 6% से ही बढ़ाते हैं, और इसको भी 6% से बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होगा, कितना प्रतिशत की टोटल एरिया में वृद्धि होगी। तो इसको जो है हम लोग सक्सेसिव टाइप से निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, 6 + 6 + 6 × 6/100 ये कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ों में प्लस कर लेना है, और ये हम लोगों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 12 + ये कितना होगा, 36/100, तो ये 12 + ये कितना होगा, 0.36, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, तो 12.36 जो है इतना प्रतिशत का है, इसके एरिया में वृद्धि हो जाएगा। ये पहले जितना भी एरिया होगा उससे अगर हम लोग हर भुजा में 6% का वृद्धि करेंगे तो हम लोग को 12.36% से इसका जो है नया वाला एरिया बढ़ जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को बताया हुआ था। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट को जरूर ही देखिए, आप लोग वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा डी नंबर ऑप्शन, 12.36% से यह वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या है। यह क्वेश्चन है 10 80 डिग्री, 1260 डिग्री, 1440 डिग्री और 1800 डिग्री। यह है क्वेश्चन। तो ये एक नियमित बहुभुज के बारे में बात कर रहा है, और जिसका भुजा कितना दिया, वो 8 दिया हुआ है। तो ये जो है आप लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो माप होता है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है, यानी कि जो एड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वह होता है आपका n − 2 × 180 डिग्री, यह होता है। तो आप अगर यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 है, तो यहाँ पे 8 − 2 कर लेंगे ये, क्योंकि 8 भुजा दिया हुआ है, और n का बराबर 8 हो जाएगा × 180 डिग्री। अब इसमें कितना घटाने के बाद में 6 हो जाएगा, और ये 180 डिग्री, ये अब कितना हो जाता है, तो इसको जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का ये हो जाता है 10 80 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए 10 80 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग इस फॉर्मूला के अलावा में एक और फॉर्मूला है, वह है आपका 2n − 4 × 90 डिग्री कीजिएगा, तो भी आप लोगों का ये फॉर्मूला के हिसाब से ही जैसा आंसर भी आ जाएगा। तो ये अगर आप 90 के केस में देखेंगे तब 2n − 4 × 90 करना है, और अगर 180 के हिसाब से देखेंगे तो आप लोगों को n − 2 × 180 करना है। अब आप इन दोनों में से किसी का भी यूज करके इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका 10 80 डिग्री। देखिए आप यहाँ पर इसको लिखते हैं 2n, तो 2 × आपका n कितना है, तो n 8 है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये करना 16 − 4 × 90। अब इसको कितना हो जाएगा, 12 × 90 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इससे भी अपना 10 80 डिग्री ही निकलेगा। तो अब आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस का जो है जिसमें पूछा जाएगा कि नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योगों के मापों का जो योग रहेगा उसको निकालने के लिए आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियोज़ में भी हम लोग मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को ही देखेंगे, क्योंकि मैथ्स भी
यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते ही जा रही हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे।